टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना इस बार आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार खबरों में बने हुए हैं। क्रिकेट प्रेमी चेन्नई सुपर किंग की हार के बाद सुरेश रैना को टीम में वापस लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुरेश रैना और चेन्नई सुपर किंग के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। रैना ने सीएसके को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। खबरों के मुताबिक रैना ने शनिवार से सीएसके को फॉलो करना बंद कर दिया है। बता दें कि रैना इस बार आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले निजी वजह से वापस लौट आए थे, लेकिन बाद में चेन्नई सुपर किंग के मालिक एन श्रीवासन ने रैना के फैसले पर नाराजगी जताई थी। कहा जा रहा है सीएसके के सीईओ की बातों को सुनने के बाद रैना ने सीएसके को ट्विटर पर अनफॉलो करने का फैसला कर लिया है। रैना ने शनिवार को एक ट्वीट किया जहां वो वैष्णो देवी में दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार कश्मीर में ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस शुक्रवार को चेन्नई की लगातार दूसरी हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस रैना की वापसी की मांग कर रहे थे। टीम के कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने भी रविवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हार के बाद कहा था कि रैना और रायडू के ना होने से उनकी टीम बिखर गई है। आपको बता दें, रैना की वापसी को लेकर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि रैना की वापसी मुश्किल लग रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस वक्त हम रैना को वापस लाने पर विचार नहीं कर सकते, वे खुद यहाँ से गए थे। हम लोग उनके फैसले को सम्मान करते हैं। क्रिकेट में हार और जीत लगी रहती है, हम लोग जरूर वापसी करेंगे। तो यही वो बातें हैं जिसे सुरेश रैना को दिल पर खटास पहुंची है, और इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि सुरेश रैना सीएसके को फॉलो करना बंद कर दिए हैं। वहीं पर ही श्रीनिवासन, जो कि टीम सीएसके के मालिक हैं, उन्होंने भी काफ़ी खासा नाराजगी जताई है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक बयान में कहा था कि रैना होटल के कमरे को लेकर नाराज होकर भारत लौटे हैं। इसके साथ ही श्रीनिवासन ने यह भी कहा था कि कामयाबी उनके सिर पर चढ़ गई है। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। क्या सीएसके में सुरेश रैना को वापस आना चाहिए? क्या इन दोनों में क्या खटास चल रही है, मालिक के बीच में और सुरेश रैना के बीच में, सीईओ के बीच में, सुरेश रैना के बीच में? ये कब तक के सॉल्व होगा? क्या एमएस धोनी इसके बीच में आएंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई अपडेट के साथ।